टू प्रूव, टॉपिक है टू प्रूव ई इज माइनस डी वी बाई डी आर, एनसीईआरटी की डेरिवेशन है, या फिर टू प्रूव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। डी वी बाई डी आर को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब कि डी वी की वैल्यू चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ये प्रूव करना है, ये है क्या रिजल्ट, इसको यूज कैसे करना है, आज इसको सीखते हैं। तो पहली चीज को प्रूव करने का तरीका, इमेजिन करो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स राइट है और हमेशा की तरह आप डिस्प्लेसमेंट किसी चार्ज की कहाँ करवा रहे हो, एट एन एंगल ऑफ थीटा पे। तो डी आर डिस्प्लेसमेंट है, मान लो दो पॉइंट्स हैं सेपरेटेड बाय डी आर, यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस है डी वी, डी आर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डी वी है। तो डी वी होता क्या है, हमने डेफिनेशन की थी माइनस ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर, ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन थी ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। इसमें अगर ओपन करें ई और डी आर में एंगल क्या है, थीटा, तो कॉस थीटा आएगा, ई कॉस थीटा एक तरफ डी आर एक तरफ, तो आंसर आ गया ई कॉस थीटा माइनस डी वी बाई डी आर। पर आप कहोगे हमने तो ये प्रूव करना था, देखो एक्चुअल रिजल्ट तो ये है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में या नॉर्मल क्वेश्चन में 99.99% क्वेश्चन में जिस डायरेक्शन में ई है ना, पोटेंशियल डिफरेंस भी उसी डायरेक्शन में लिया जाता है, डी आर भी उसी तरफ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जहां निकालना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही निकाला जाता है, तो डी आर और ई में 99% क्वेश्चन में एंगल जीरो रहता है, तो इसलिए कॉस जीरो क्या हो जाता है, वन, तो ये आंसर आ जाएगा। पर अगर वो सेम ना हुआ ई और डी आर, या डी वी दो पॉइंट्स का पोटेंशियल लिया, यहां निकालना है, यहां की जगह यहां निकाल दिया, फिर ये रिजल्ट लगेगा। तो दोनों रिजल्ट्स को नोट कर लें फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है इसकी एप्लीकेशन जो पेपर में आएगी, ये प्रूफ तो आए ना आए, यूज कैसे करना है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, आज वही करने वाले हैं।